अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चूँकि हमने 1.3 एक्सरसाइज को शुरू किया हुआ है कैलकुलस में, तो उसके जो आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको हम करते हैं, ठीक है। पहले हमने किए थे डोमेन और रेंज को कैसे फाइंड करते हैं, अब हमने डोमेन को फाइंड करना है और उसका ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। डोमेन को फाइंड करना है और उसका ग्राफ ड्रा करना है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसका हमने ग्राफ ड्रा करना है और उसका हमने बताना है कि डोमेन क्या है। तो जो कि मैंने आपको बताया था कि पॉलीनोमियल की डोमेन माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी होती है, ठीक है। अगर पॉलीनोमियल तो फिर उसकी डोमेन माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी है। तो जो अब हम इधर से बता सकते हैं इसकी जो डोमेन है वो माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी है, लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका ग्राफ भी ड्रा करना है, ठीक है। तो उसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं, जो कि ये क्वाड्रेटिक है वो पैराबोलिक, पैराबोला में हमने पढ़ा था। तो जो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं सबके ग्राफ पैराबोलिक होते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में जो कि हमने जो पैराबोला की जनरल इक्वेशन पढ़ी थी वो थी वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो उसमें हमने जो 1.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने पैराबोला को ड्रा करने का भी कॉन्सेप्ट लिया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको वर्टेक्स का एक फार्मूला बताया था और जो भी था पैराबोला का जो मैंने जनरल इक्वेशन होती है एक वो कैसे ड्राइव करती है वो मैंने आपको बताई थी। तो उसको हम ड्रा कर नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्टेक्स निकालेंगे और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को निकालेंगे तो ग्राफ ड्रा हो जाएगा। तो इसके हम जनरल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। वर्टेक्स का क्या फार्मूला था, माइनस बी अपॉन टू ए और आ जाता है माइनस बी अपॉन फोर ए, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आ रहा है एक फार्मूला ये भी है और डिफरेंशिएशन में जाकर हमें इसका एक फार्मूला मिलता है, ठीक है। उस फार्मूले से हम कर सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर हम इसी फार्मूले को फॉलो करेंगे तो वो करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का वो निकालते हैं पहले, वो हमारे पास आ जाता है माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू इधर रखते हैं, बी को कंपेयर करें तो माइनस टू आ जाता है, माइनस वो आप ऐसे लिख लें माइनस टू आ जाता है, तो माइनस टू अपॉन टू ए, ए क्या है हमारे पास वन, ये आ गया माइनस वन, ठीक हो गया। तो इधर आ जाएगा हमारे पास ये टू टू के साथ गया और माइनस माइनस के साथ गया तो माइनस वन आ गया। इस तरह से जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास माइनस डी अपॉन फोर ए, ठीक है। तो डी का किसके इक्वल होता है, ये मैंने फार्मूला बताया था आपको, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और अपॉन फोर ए, ठीक है। तो इधर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का हमारे पास माइनस टू, माइनस टू का जब हम स्क्वायर लेंगे तो फोर आ जाएगा और माइनस फोर जो फार्मूले का ए क्या है हमारे पास माइनस वन, तो माइनस फोर माइनस वन और सी हमारे पास वन है और नीचे आ जाएगा हमारे पास फोर इंटू ए, ए क्या है हमारे पास माइनस वन, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास फोर प्लस फोर और नीचे आ जाएगा माइनस फोर और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस एट ओवर फोर, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये हमारे पास जाकर, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आए हमारे पास, इसके आ गए कोऑर्डिनेट आ गए माइनस वन और टू आ गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आ गए वर्टेक्स के। तो इस बुक में ये भी कहा गया कि आप इसको फाइंड कर लें और ये वाली वैल्यू इस फंक्शन में रख दें, ठीक। तो फिर आपके पास वाई वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो उसके भी हम कह सकते हैं अगर आप इधर माइनस वन रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वन माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा टू आ जाएगा और इसके माइनस वन का स्क्वायर लेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, तो ये इसके साथ गया और टू आ गया। तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं डी स्क्वायर ओवर इसको, अगर ना आप फाइंड करें इस मेथड को तो आप क्या एक्स की जो वैल्यू आती है इस फॉर्मूले से माइनस बी अपॉन टू ए उसकी वैल्यू फंक्शन में पुट कर दें तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे, वर्टेक्स के पॉइंट हमारे पास आ गए और सारे के सारे ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। एक्स इंटरसेप्ट करिए हम वाई को जीरो पुट करते हैं, ठीक है। क्यों पुट करते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो वाई को जीरो पुट किया तो हमारे पास आ गया जीरो इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर
और इधर से अगर हम माइनस क्यू का अमल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सीधा करके लिख लिया। ठीक है, अगर इधर हम इसकी फैक्टराइजेशन मुश्किल है डिफिकल्ट है तो इसका हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। उसके पास हमारे पास माइनस बी के है हमारे पास टू प्लस माइनस बी का स्क्वायर और माइनस फोर ए सी, तो माइनस माइनस प्लस और फोर आ जाएगा अपॉन टू ए, ये आ गया टू। इधर से हमारे पास माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट एट आएगा अपॉन टू आएगा, तो इसको हम फर्दर कर लेते हैं माइनस टू स्क्वायर रूट एट किसके इक्वल होता है टू स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये आ गया नीचे टू, टू का अमल है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। एक्स की वैल्यू ये हमारे पास दो आ गई। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज क्या है इसको हम अगर थोड़ा सा करके लिखें ताकि आसानी के साथ अगर आप ड्रा कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू, क्योंकि खत्म हो रही है तो ये इसमें आ जाएगा माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी फर्दर अगर स्क्वायर रूट ऑफ टू वन पॉइंट फोर समथिंग होता है उसमें से वन माइनस वन निकालेंगे तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर, और इसमें आ जाएगा हमारे पास माइनस वन और माइनस वन पॉइंट फोर माइनस टू पॉइंट फोर समथिंग आएगी वैल्यू, तो ये आ गई हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज, तो इनको हम ऐसे भी ले सकते हैं जीरो का फोर, और ये वाला एक पॉइंट आ जाएगा माइनस टू पॉइंट फोर और जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आए एक्स इंटरसेप्ट के और वाई, अब हम वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक्स जीरो पुट किया तो ये भी जीरो और ये भी जीरो हो गया, तो वाई इज इक्वल टू आ गया वन, तो हमारे पास क्या पॉइंट आए जीरो व वन। ठीक है, जीरो एक पॉइंट वन आ गया, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं बस आने के साथ, वर्टेक्स भी हमें फाइंड पता है और एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी हमें अब मालूम हो गए हैं, तो इनको हम ड्रा कर लेते हैं। अब वर्टेक्स के पॉइंट क्या है हमारे पास, एक्स हमारे पास माइनस वन है और ये ओरिजिन, तो वाई हमारे पास टू है, तो ये पॉइंट आ गया माइनस वन व टू। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, अब हमारा जो वाई इंटरसेप्ट है वो क्या है वन, अगर ये वन है तो ये बनेगा ऐसे करके इधर आया, और एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पर काटेगा, एक्स इंटरसेप्ट के पर पॉइंट फोर पर, और इधर से जाएगा ऐसे करके ये सो वन, और ये पॉइंट क्या है जीरो पॉइंट फोर सेवन समथिंग। इसी तरह से जो वाई एक्स इंटरसेप्ट का जो दूसरा पॉइंट है वो है माइनस टू पॉइंट फोर, ये आ जाएगा टू माइनस टू और ये लेट कर लें इधर ही टू पॉइंट फोर हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राफ इस तरह का पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो इधर को थोड़ा सा ज्यादा ले गया, अगर ये लेट कर लें ये हमारा पॉइंट है ना जो ये माइनस टू पॉइंट फोर समथिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ इधर से हम जितनी भी वैल्यूज देंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि हमारी डोमेन जो पॉलीनोमियल होती है उसकी डोमेन माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी होगी, माइनस इनफिनिटी वाली आप जो भी वैल्यूज देंगे उन पर हमारे जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये ऐसे सो आने। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी के साथ इनके ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।